साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज की जो मैं रेमेडी आपको दे रहा हूं, अगर ये आपने एक बार कर लिया बिना खर्चे को उपाय है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पर्स कभी भी पैसों से खाली नहीं होगा। देखिए हर चीज की एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको घर में रखने से जो आपका वास्तु है वो बैलेंस होता है, मतलब कि घर में जो मनी के ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके घर की एनर्जी अनबैलेंस है, वास्तु की मनी की एनर्जी अनबैलेंस है, तो उसके लिए कुछ अलग चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में अगर नेगेटिव एनर्जी है, आपकी बॉडी में जो ऑरा होता है इसमें भी एक मनी की, पैसों की एक एनर्जी होती है जिसको बैलेंस करना जरूरी होता है। तो कुछ चीजों को दोस्तों यदि हम अपने पास में रखते हैं, अपनी बॉडी से टच में रखते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ऑरा होता है वो क्लियर हो जाता है, नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है और हमारे 7 मेजर चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। अगर 7 मेजर चक्रास में से एक भी चक्रास अनबैलेंस है तो ये एनर्जी का फ्लो जो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होती है, कोई भी नेगेटिविटी होती है सबसे पहले वो आपके धन को ही अटैक करेगी, क्योंकि कोई भी परेशानी अगर आपको आएगी तो वो धन से ही आएगी। क्योंकि देखिए आपके हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, या घर का किसी भी प्रकार का कोई काम है, या किसी भी चीज के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपको पैसे की। पैसे जो होते हैं दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी, यहां तक कि पूजा भी करनी है, कोई पाठ करना है, कोई अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए आपको धन की ही जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर आपने पर्स में रखते हैं तो इससे आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मूलाधार चक्र जो होता है लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व माना गया है और लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से, यानी कि पृथ्वी से हुई है। तो ये प्रयोग करने के बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही दिनों में, और इतना दोस्तों जबरदस्त उपाय है कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपकी बॉडी से जो ऑरा है, आपका दूषित है, जो अनबैलेंस है, ये सारी चीजें आपकी जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगी और मनी का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इस प्रयोग को दोस्तों कोई भी कर सकता है, ठीक है, और करने के बाद में इसको आप दोस्तों चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देखेंगे। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा तो आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त होगी, वो जानकारी आपसे मिस नहीं होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आपका बर्थ चार्ट यदि अनबैलेंस है तो आप कोई भी रेमेडीज कर लें, कोई भी उपाय कर लें, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई ऐसा प्लैनेट होता है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी या फिर समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका घर का वास्तु अनबैलेंस है या घर में किसी प्रकार की बंदिश होती है तब भी आप कोई उपाय करेंगे वह वर्क नहीं करेगा, वो रिजल्ट नहीं देगा। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, कर्ज बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसी किसी भी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है, आपका बर्थ चार्ट यदि नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी समस्या का सटीक समाधान आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप यदि बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है, छोटी सी माइनर फीस रखी गई है। आप व्हाट्सएप में जाकर के अपने चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क करें, आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके प्रयोग को करने के लिए आपको एक हरे कपड़े की जरूरत पड़ेगी। हरा कपड़ा लेंगे तो इससे ये रहेगा दोस्तों कि इस कपड़ों में दोष नहीं लगता है। कॉटन का ले सकते हैं, लेकिन अगर जरी का कपड़ा लेंगे
तो इसमें आप किसी के जन्म मरण में जा रहे हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। आप कागज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कपड़ा लेंगे तो बेस्ट माना गया है। ये बहुत ही पावरफुल वर्क करता है। तो एक जरी का छोटा सा कपड़ा ले लें हरा, थोड़ी सी बिल्कुल सौंफ ले लेनी है, दो दो चुटकी या तीन चुटकी, ठीक है। और साथ में आपको ले लेनी है दो इलायची और भीम सेनी कपूर, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, ठीक है। शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करना है, शुक्र के होरा में, उस समय यदि इस प्रयोग को करते हैं तो इसका रिजल्ट जो होगा 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो शुक्रवार के दिन में आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, आपको क्या करना है, गूगल सर्च कर लेना है सूर्योदय कितने टाइम हो रहा है। ये पूरा सामान पहले एक दिन पहले तैयार कर लें, और शुक्र हो रहा यानी कि सूर्य उदय से 12 मिनट के अंदर, ये टाइम जो होता है शुक्र हो रहा टाइम कहा गया है। तो सूर्योदय से पहले नहा धोकर के स्वच्छ होकर के पूरा सामान तैयार कर लें, अपने पूजा स्थान में बैठ लें, नीचे आसन लगा लें, सिर में कपड़ा रखें, कोई स्टोन वगैरह ना पहना हो। जिस दिन प्रयोग करेंगे नॉनवेज नहीं लेना है, महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे, ठीक है। अल्कोहल ड्रिंक नहीं लेनी है। एक दिया जला लें और गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती सामने रख लें, एक पटरा बिछाएं सामने, उसमें एक कपड़ा बिछा करके, और ये जो आपने कपड़े में एक हरा कपड़ा लेंगे, ठीक है, हरे कपड़े के ऊपर थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे, दो इलायची रख देंगे, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रख देना है आपको, एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर का। अब वहीं पर बैठ करके आपको ये क्रिया आपको 12 मिनट के अंदर करनी है। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 66 टाइम यानी कि 66 बार जाप करेंगे, और ओम श्रीम श्रियै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। ये जाप पूरा होता है, थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा दें, गुलाब की अगरबत्ती घुमा दें, और इसको फोल्ड करके हरे कपड़े, हरे धागे से कोई छोटा सा पतला धागा लेके, इसकी मतलब कि जैसे आपने रखा कपड़े में, छोटी सी पोटली बनाना है आपको, और इसको अपने पर्स में रखना है, पर्स में मतलब इतना छोटा बनाना है आपको, थोड़ी सी सौंफ लेनी है, दो इलायची और आपको बरास वाला कपूर, इतना छोटी पोटली बनानी है कि आपके पर्स में जो 3-4 खंड होते हैं, तो जहां पर इसको आप रखेंगे उसमें और कोई चीज नहीं होनी चाहिए, पर्स में आपको परमानेंट इसको रखना है आपको, ठीक है। ये आपकी बॉडी से टच में रहेगा तो किसी भी प्रकार की मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी, मतलब पैसों से संबंधित जो नेगेटिविटी होगी, पैसे की जो एनर्जी अनबैलेंस थी वो बैलेंस हो जाएगी। आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही दिनों में आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। तो इसको फोल्ड करके इसको सिल लें, जब पूजा हो जाती है तो उठने के बाद में इसको चारों तरफ से धागे से सिल के छोटी सी पोटली बना लें और अपने पर्स में इसको डाल दें, जहां जहां पर मतलब कि पर्स में आपके 3-4 वो होते हैं, घर होते हैं, खाने होते हैं, तो एक खाली वाले में जिसमें कुछ और चीज ना हो इसको आप उसमें रख लें। उसके बाद में देखिए दोस्तों इस शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक आपकी जिंदगी में, लाइफ में कैसे पैसे आता है, मतलब कि कभी भी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई ऐसा काम आपका बनता जाएगा, जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ऐसा आपका काम बन जाएगा कि आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा, इतना चमत्कारी की उपाय है। लेकिन सावधानी के साथ में करना है कि एकदम शुद्ध होकर के सात्विक तरीके से, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से अगर इस प्रयोग को आपने कर लिया दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, रिजल्ट देगी ही देगी। शुक्रवार के दिन में करना है, ठीक है। इलायची आपको ऐसे लेनी है हरी रहेगी, सौंफ लेना आपको हरी रहेगी, इलायची जो शुक्र होती है चंद्र होती है, सौंफ जो होती है शुक्र होती है चंद्र होती है, ठीक है। ये इन दोनों ग्रहों को भी बैलेंस कर देगी आपको। शुक्र का आपके बारे में जानते हैं, लग्जरीज लाइफ में लाना है, भौतिक सुखों की प्राप्ति कराना है, ये शुक्र करते हैं। अट्रैक्शन पावर बढ़ाना है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाना, ये सारे जिम्मेदार होते हैं शुक्र। अब मन आपका यदि मजबूत है, आपको डिप्रेशन में अगर ज्यादा रहते हैं तो चंद्र बैलेंस हो जाएंगे। चंद्र का बैलेंस करना पानी की तरफ आसान है, क्योंकि चंद्र जो होते हैं जल का कारक होते हैं, और यहां पर आपके 7 मेजर चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे, तो और भी प्रकार की जो आपकी जो परेशानियां चल रही हैं वो भी आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो शुक्र हो रहा टाइम में किसी भी शुक्रवार के दिन में इस प्रयोग को एक बार आप कर लीजिए, कोई आपका खर्चा नहीं लगना है इसमें, थोड़ी सी सौंफ है थोड़ा सा, और कपूर आपको भीम से नहीं लेना है, ये नहीं कि कोई सा भी कपूर उठाया और आपने डाल दिया, क्योंकि अगर कोई रेमेडीज कर रहे हैं ओरिजिनल चीजें अगर लेंगे तभी ये वर्क करती हैं, ओरिजिनल चीजों में ही दैविक गुण होते हैं। तो भीमसेनी कपूर आपको लेना है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नॉर्मल केमिकल्स वाला कपूर लेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हर चीज ओरिजिनल लेते हैं, स्वच्छ लेते हैं, तो 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पूरे विश्वास के साथ में, पूरी सावधानी के साथ में इस रेमेडी को आप करिए, और जो भी रिजल्ट मिलता है, जो भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। आप लोग जब कमेंट के माध्यम से मुझे बताते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और भी ऐसी जानकारियां आप लोगों के सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जिससे आपको लाभ मिले, ठीक है। कोई बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें।
इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितनी हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। जितने लोगों को आप जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे, उसका लाभ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं ही देंगे। घर बैठे किसी की दुआ पाने का, किसी का हेल्प करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।